भ्रामरी प्राणायाम में जब आप गलती करेंगे तो कई सालों तक ऐसे गलती में ही रह जाएंगे, लाभ नहीं होने वाला है। मैंने जो देखा है, कोई इस तरह से कर रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, और कोई सही भी कर रहा है तो कैसे कर रहा है? सांस के साथ शरीर को हिलाते हैं, मुद्राओं का अलग अलग प्रयोग करते हैं, जो भौंरे की आवाज से गुंजन होती है, उस गुंजन से जो पूरे हमारे मस्तिष्क ग्रंथियों को जो जागृति मिलती है, जो ताकत मिलती है, अनेकों लाभ मिलते हैं, जो ऊपर के हमारे यहाँ से ऊपर के जो चक्र जगते हैं उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो गलत प्रैक्टिस करके पूरा समय नष्ट नहीं करें, अगले पार्ट में सही तरीका देखें, हमारे साथ जुड़ें।